नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी की इस प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। उत्तर प्रदेश में 825 ब्लॉक प्रमुख की सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। अब इन सीटों पर मतगणना चल रही है। ब्लॉक प्रमुख की 349 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें बीजेपी के 318, समाजवादी पार्टी के 17, तो 15 पदों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। बात करें 476 सीटों की, तो इन सीटों पर चुनाव के दौरान जमकर हिंसा देखने को मिली। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने जमकर हिंसा का सहारा लिया। कहीं बीडीसी सदस्यों का अपहरण किया गया, तो कहीं खुलेआम गोलियां और बम चलाए गए। बड़ी बात यह है कि प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। पुलिस भी साफ तौर पर राजनीतिक गुंडों के आगे नतमस्तक दिखी। बड़ी बात तो यह भी है कि चुनाव की कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। नेताओं के साथ अधिकारियों ने भी पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट की। उन्नाव में सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने वीडियो जर्नलिस्ट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव साफ तौर पर जंग में तब्दील नजर आया। कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ही लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए नजर आए। इस चुनाव को देखकर लगता नहीं कि जिस उत्तम प्रदेश की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, वो उत्तम प्रदेश अब नजर आता है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चुनाव है और उस देश के एक सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव। नेताओं की हरकत देखकर तो तालिबान भी शर्मा जाए कि चुनाव के दौरान हिंसा कैसे की जाती है। आइए और समझिए, देखिए उत्तर प्रदेश का हाल। एक तरफ सरकार और विपक्ष जो लगातार एक दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों का चाल और चरित्र जनता के सामने आ गया। बड़ा सवाल यह है कि जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इस तरह की हिंसा देखने को मिली है, तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है, जहां पर एक महिला जो कि प्रस्तावक थी, उसकी साड़ी फाड़ दी गई, उसके कपड़ों को फाड़ दिया गया। लेकिन बावजूद इसके 10 घंटे लग गए प्रशासन को एक रिपोर्ट दर्ज करने में। क्यों 10 घंटे? बहुत लंबा समय होता है। एक महिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने लाख वादे किए, महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया, लेकिन यह दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें लखीमपुर खीरी से हम लोगों के पास आई, वो दिल दहलाने वाली थी। वो महिला किसी की मां थी, किसी की बहन थी। आप खुद अंदाजा लगाइए, आप खुद सोचिए। और मैं सवाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से, यदि उस महिला की जगह आपकी मां बहन होती तो आप क्या करते? चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सवाल कई हैं और उन सभी सवालों का जवाब हम इसी चर्चा में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिबेट में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से विवेक जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शबनम जी, पहला सवाल आप ही से करूँगा। लखीमपुर खीरी से जो तस्वीरें हमारे सामने आई, और साफ तौर पर यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही वो नेता थे और कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या आप माफी मांगेंगी? तो किसी तकनीकी खामी के कारण हमारी आवाज शबनम जी तक नहीं पहुंच पा रही है। विवेक जी, लखीमपुर खीरी से जो तस्वीरें आई, आप कैसे देखते हैं उनको? आपकी तरफ से भी बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता दूं
पूरे मंच को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं आज आपको देता हूं कि आपने इतने ज्वलंत विषय को इस पटल पे इतने साहसिक रूप से उठाने का प्रयास किया है। लखीमपुर के पसगवा की जो हमारे रितु सिंह थी, रितु सिंह जी की प्रस्तावक थी अनिता यादव जी, उनके साथ जिस प्रकार से लज्जा भंग और चरित्र हनन का प्रयास किया गया और उसी प्रकरण में रितु सिंह जी को भी नहीं बख्शा गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ उस दृश्य की हो रही है जिसमें कि साड़ी खींचते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन उस दृश्य की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है जिसमें साड़ी उतार दी गई। मैं इस दृश्यों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे संवैधानिक संस्थाओं की दूरदर्शिता का मैं बहुत ही गायन। अरे उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था कि संपूर्ण जंगल राज्य उत्तर प्रदेश में कायम है, जिसका की पूरा और पूरा ज्वलंत उदाहरण जो है मौजूदा सरकार ने प्रस्तुत किया है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ कि क्या WHO से इस दुष्शासन रूपी चीर हरण के वाहवाही का सर्टिफिकेट अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार को मिला या नहीं मिला? WHO से प्रशंसा या तारीखों वाले जो प्रमाण पत्र आते हैं राम राज्य के नाम पे, सुशासन के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि WHO के वो सर्टिफिकेट अभी तक जारी हुए कि नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के हित में। और रही बात आप हमारी बात करेंगे तो 15 तारीख को आप हमारा उग्र आंदोलन का स्वरूप जो देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हम किस मानसिक प्रताड़ना के शिकार हुए हैं और कितना आक्रोश है हमारे दल के लोगों में कि हमारे ही सत्ता दल के माध्यम से जिस प्रकार से आप चुनाव लड़ते अगर हम हारते हम उस हार को निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होता। लेकिन आप आधार इसको बनाते हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जो पत्रकार जिन पत्रकारों की हत्या का प्रयास हुआ, वो चाहे एबीपी गंगा के पत्रकार हो, अलीगढ़ के व्यक्तिगत पत्रकार हो, चाहे जिस प्रकार से एटा में पत्रकार पे हुआ, आज फिर एक बीडी जिस प्रकार से सीडीओ ने एक भाजपा के नेता के साथ बाकायदा मिल करके पत्रकार को दौड़ा दौड़ा के पीटा, वीडियो वायरल हुई, एक प्रशासनिक अधिकारी कहता है, IPS कहता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया और बम और उससे हमला किया जा रहा है। आप क्या कर रहे दोस्तों, आपकी पार्टी क्या कर रही थी? देखिए हमारी पार्टी अगर कुछ करे तो हम गुंडे हो जाते हैं। अगर हमारी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारी पार्टी तो बाकायदा FIR झेल रही है सर, हमारे लोगों को तो किडनैप और बंधक बनाकर पुलिस बाकायदा मुकदमे ठोके जा रही है। हम तो कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और हम तो आपसे वादा करते हैं कि 2022 के चुनाव के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनको सिखाएंगे कि लोकतंत्र क्या चीज होती है, हम इनको बताएंगे लोकतांत्रिक माध्यम से कैसे अपने वापस लिए हुए केस किस तरीके से दोबारा जांच के दायरे में आते हैं। और मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब कागज पे एक बार हस्ताक्षर हो जाते हैं ना वो कागज आजीवन सजीव हो जाते हैं। आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, करिए सत्ता का दुरुपयोग, लेकिन लोकतंत्र किसी की जागीर नहीं है, सत्ता का दुरुपयोग कोई आम बात नहीं है। 2016 में जब आपकी सरकार थी तब आपने भी 60 सीटें जीती थी और ये सभी जानते हैं। हमें 2016 में आप बताइए, हमें आप प्रमाण दीजिए 2016 में हमारी जब सरकार थी किस महिला का चीरहरण किया गया था? मैनपुरी की एक तस्वीर, आम सड़कों पर मैनपुरी की तस्वीर शायद आपको याद होगी जहां पर एक महिला के सर में डंडा मारा गया था, आपको याद है क्या 2016 की? मुझे याद है वो प्रकरण और उसके बाद कार्रवाई भी हुई थी, जैसे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संज्ञान में वो प्रकरण आया था, वो कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई को भी दिखाइए ना, उसमें FIR भी हुई थी, बकायदा उस दुकान वाले को गिरफ्तार भी किया गया था, वो भी बताइए, वो आप नहीं बता रहे हैं। FIR तो यहाँ पर भी हो गई, लखीमपुर खीरी वाले प्रकरण में भी FIR हुई, मानते हैं वक्त लगा लेकिन उसमें FIR हुई और हमारे व्यक्तिगत नेतृत्व ने संज्ञान में आते ही कार्रवाई की थी। और अगर आप प्रामाणिकता इससे सिद्ध करना चाहते हैं तो मुझे लगता है राजनीति में कभी बदलाव की बयार नहीं आएगी। अगर आप उदाहरण देना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे दूंगा जिसमें मंच से जिम्मेदार संवैधानिक पदों पे बैठे लोग गर्लफ्रेंड के कीमतों का आकलन कर रहे थे, इनके नेता मंत्री पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग अपनी बहन बेटियों को किस तरीके से, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इनकी मर्यादा, ये तो सुशासन के नाम पे आए थे ना, ये हम पे आरोप लगाते थे कि हम गुड्ढे हैं और इनके पूरे राम राज्य की आड़ में पलता हुआ जी, ठीक है विवेक जी हम आपके पास आएंगे आपके पास। शबनम जी, जिस उत्तम प्रदेश का वादा किया गया था वो उत्तम प्रदेश अब नजर तो नहीं आता? देखिए निश्चित तौर पे सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार दोनों को बधाई देना चाहती हूँ, जिस तरीके की जीत और ग्रामीण जनता ने
फिर से बहुत ही भारी भरकम अपनी सहमति अपना बधाई, कौन सी बधाई, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या आप जानती हैं, आपकी कितनी थी? लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष आपके जिला पंचायत सदस्यों में कोई सिंबल लेके तो होता नहीं है, हमारे ही लोग जीत के आए और... चुनाव है, इसमें साफ तौर पर ये जाहिर होता है और हम सभी जानते हैं कि जो सत्ता में होता है चुने वही जाते हैं। देखिए, अगर जनता ने विश्वास किया है और इस विश्वास को लगातार 14 से अब तक जनता अपने विश्वास को बरकरार रख रही है और हम अगर चुनाव जीतते हैं तो ये बौखलाहट विपक्षी पार्टियों का देखने को मिलता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, तमाम ऐसी घटनाएं, अभी जो लखीमपुर खीरी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उन पर केस दर्ज हुआ है, वहां पर कोई समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर कोई दूसरे पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है, आप ही के पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज हुआ है। इटावा में जिस एसपी के थप्पड़ मारा गया उसका साफ तौर पर वीडियो सामने आया और वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने थप्पड़ मारा है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, लखीमपुर खीरी में हमारी पार्टी के किसी भी नेता का हाथ नहीं और जो आरोपी था वो भी पकड़ा गया और पुलिस के जो वहां पे जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे थाने के उन सब पे कार्रवाई हो चुकी है। जितनी त्वरित कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है ये काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं सपा बसपा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहती थी कि उपद्रव हो, सब कुछ हो, लेकिन लगातार कार्रवाई करते हुए सरकार और प्रशासन दिख रही है। और इटावा में विधायक जी सामने थी, विधायक जी ने को सबने देखा है वीडियो में, विधायक जी के हाथों में कुछ भी नहीं था। लगातार ये आरोप लगाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टी, इनका इतिहास ही आप देख लीजिए ना, अलीगढ़ में जब 2016 में चुनाव हुआ था तो क्या हुआ था, पर्चा फाड़ दिया गया था, श्रावस्ती हो, गोरखपुर हो, सुल्तानपुर हो, अभी क्या हो रहा है, दंगा अभी क्या हो रहा नहीं हुआ, अलीगढ़ है अभी क्या हो रहा है शबनम जी, अभी तो कम से कम कई भी प्रशासन उस पर कार्रवाई होने का काम हो रहा है। जितनी त्वरित तरीके से लखीमपुर खीरी में कार्रवाई हुई, आप उदाहरण दीजिए कि इनके समय में कभी हुई, इनके समय में तो संरक्षण मिलता था वैसे लोगों को, और आज जब हम जीत के आते हैं तो कहीं इन्हें हताशा होती है और यही हताशा जो है लगातार आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाब हम विवेक जी से लेंगे, सुनील जी, साफ तौर पर नजर आया पंचायत सदस्य के चुनाव में भी और जो ब्लॉक प्रमुख के लिए जो सदस्य होते हैं जी जी। उनके चुनाव में भी कि जो प्रत्यक्ष रूप से जब वोट डालने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया, लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव की बारी आई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें लीड लेती हुई नजर आई। क्या वाकई में जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है उसको कवर अप करने के लिए ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं भाई जनता तो हमारे साथ है? देखिए शिवम जी, राजनीतिक पार्टियों का स्तर काफी गिरता जा रहा है, ठीक बात, वो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, मैं जो देख रहा हूं इस समय कि एकदम भाजपा और सपा बिल्कुल गुंडों की पार्टी बन गई है कि किसी तरह सत्ता हमको हासिल हो, पब्लिक से मतलब नहीं, पब्लिक इतना परेशान हो रही है, न महंगाई से मतलब है, न उसकी समस्याओं से मतलब है, सत्ता एन केन प्रकारण कैसे हासिल की जाए दोनों पार्टियों का लक्ष्य है। लखीमपुर की जो घटना हुई है वो तो बेहद शर्मनाक है, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लिया और वहां पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया है, लेकिन ऐसा कृत्य महाभारत को भी मात दे रहा है और जो राजनीतिक परिवेश इस समय दिखाई पड़ रहा है इससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में तो हमको लग रहा है लाशों ढेर लग जाएंगे, जब क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में दोनों पार्टियां एकदम गुंडाई और दबंगई पे मादा हैं, मारपीट किसी तरह से जीतना चाह रही हैं, तो आगामी चुनाव विधानसभा का होगा वो परिस्थितियां कैसी होगा और सरकार कैसे चुनाव कराएगी
ये भी एक प्रश्न है। सुनील जी, एक बहुत बड़ी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने इन चुनावों को बहुत करीब से देखा है और एक बहुत लंबा वक्फा बिताया है इन चुनावों को देखते हुए। क्या इस तरह की परिस्थितियां जो आज की तारीख में हमारे सामने है, क्या वो पहले थी? शिवम जी, राजनीतिक परिवेश दिन पर दिन बदलता चला जा रहा है। आप गौर कर लीजिए कि पहले लोग जो थे वो इतने अपराधी नहीं होते थे। अपराधी ही राजनीतिक राजनेता अपराधियों का संरक्षण लेते थे और राजनीति करते थे। अपराधियों ने देखा कि जब हम नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इससे बढ़िया हम ही ना राजनीति में नेता बन जाए। और यही एक कारण है कि राजनीतिक व्यक्ति पीछे हो गए और अपराधी राजनीति जगत में अपना पूरा पैर पसार लिए हैं। तो जब अपराधी व्यक्ति आएंगे राजनीति क्षेत्र में तो क्या उनसे आप उम्मीद करो कि वो राम राम कहेंगे? ये संभव ही नहीं है। और जब तक अपराधियों का राजनीति से सफाया नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे दंगे बलात्कारों द्रौपदी का चीरहरण होता रहेगा ही नहीं, किसी को रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव आयोग ने भी देखा कितनी शक्ति की है, इसके बावजूद कोई ऐसा सीएमजी पार्टी राजनीतिक दल है जिसमें अपराधियों के अपराधी हावी न हो और अपराधी अधिक से ज्यादा टिकट न पाते हों किसी पार्टी। भाजपा में देख लीजिए कितने अपराधी लोग हैं, सपम देख लीजिए। तो अब तो पूरा राजनीति पे अपराधियों को अपराधी इतना हावी हो गए हैं कि दंगा फसाद कराना ये तो उनकी पुरानी आदत है। ठीक है जी, ठीक है। विवेक जी, आप शायद शबनम जी के किसी सवाल का जवाब देना चाहते थे, आप उसका भी जवाब दीजिए, लेकिन मेरी तरफ से भी एक सवाल है, वो ये कि आपकी नैया तो अब डूबती हुई नजर आ रही है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप, लेकिन आपके सदस्य जीते, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुने गए, आपके सदस्य भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या हुआ, विश्वास खोते जा रहे हैं क्या आप? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से हमारे 16 जिला अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से पार्टी के अनुशासनहीनता और जिम्मेदारी से अपने कृत्यों को या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करने के दिशा में कठोर कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वो सीधा सीधा संदेश है कि इस पार्टी में राजनीतिक दलबद्ध लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अगर ऐतिहासिक पटल की बात करूं तो कोई भी राजनीतिक दल जो है, अगर मैं बात करता हूं तो आपको याद होगा हमारी पार्टी में इतने बड़े प्रचंड एक तूफान का कारण जो बना था वो मात्र इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी डीपी यादव को टिकट न देने के फेवर में थे। वो राजनीति में जब से अपना परिपक्वता के साथ उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तब से उन्होंने प्रयास किया कि राजनीतिक दल में, खासकर समाजवादी पार्टी में, जो भी आरोप लगते रहे हैं उन आरोपों को एक नई विचारधारा के साथ जोड़ते हुए सुधार किया जाए। और उसका इतना बड़ा परिणाम सामने आया कि राजनीतिक दलों के विपक्षी दलों ने उसका राजनीतिकरण किया, उसका पूरा लाभ लेने का फायदा उठाया और सरकार हमारे हाथ से गई, हमें उसका कोई गम नहीं। लेकिन आज वर्तमान में अगर मैं आपको बताऊं लखीमपुर की घटना पे अगर ये बात कर रही है तो लखीमपुर में ये बता रहे हैं कि कार्रवाई हुई, कार्रवाई कब हुई, जब अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जब NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने संज्ञान ले लिया, रेखा शर्मा जी ने DGP को एक बाकायदा आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब कर लिया, जब इस तरह की घटनाएं उसके बाद आप जब कार्रवाई करते तो वो कार्रवाई आपकी निष्पक्ष प्रतीत नहीं होती। इसके साथ एक बात और आपकी संज्ञान में डाल दूं, भाजपा सांसद रेखा वर्मा के भतीजे, उस मौके पे जो वीडियो वायरल हुआ है, अखिल कटियार कानपुर निवासी है नीली शर्ट में, और सांसद प्रतिनिधि सुमित तिवारी लखीमपुर के, सांसद प्रतिनिधि राकेश पुत्र राजाराम, ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जो बाकायदा वीडियो में उस वक्त मौके पे नामजद और चिन्हित हुए हैं। लेकिन अगर आपकी कार्रवाई निष्पक्ष होती तो आप केवल पुलिसिया कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि अनुशासनहीनता में निलंबित करना, बर्खास्त करते तो एक संदेश जाता, आपने निलंबित किया है, निलंबन कोई कार्रवाई के दायरे में नहीं आता, फिर बहाली हो जाएगी। और इसके साथ जिन रसूखदार लोगों को दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर आप वास्तव में इतनी छवि सुधार करना चाहते थे, हम भी मिसाल देते कि कार्रवाई हुई, लेकिन आपने जिम्मेदार मगरमच्छों को छोड़ दिया, आपने नीचे के लोगों को बलि का बकरा बनाया। तो ये देखिए, राजनीति वो करिए जो कम से कम आप उसको साध सके, ये तो बाकायदा दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर, और जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी उनपे ना करके छिटपुट जो समर्थक है उनको आपने 2 लोगों को अंदर कर दिया। तो ये दिखावटी कार्रवाई से हम इसको प्रामाणिकता पे नहीं मानते हैं, और ये सब सरकार के पूरे संरक्षण में हुआ है। जिम्मेदारी से सीओ सिटी बोल रहा है कि मुझे थप्पड़ मारा जा रहा है, बम चलाए जा रहे हैं, भाजपा के नेताओं के गाड़ियों में लाठियां पाई जा रही हैं, हमको बता रहे हैं हताश है। हम हताश नहीं है, हम तो धन्यवाद देते हैं आपको कि समाजवादी पार्टी के ऊपर अपराधीकरण का जो चिन्ह लगा था आपने उसको साफ कर दिया। हमसे बड़े
माफिया उभर करके इस प्रदेश में आए जैसा ये लोग हमें बताते थे। आज समाजवादी पार्टी कम से कम स्वच्छ है, समाजवादी पार्टी में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। आपके बनारस के कार्य समिति सदस्य बहुत बड़े, तो आप ये मानते हैं ना कि आपने भी माफियागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी? मैंने ये माना है केवल कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने राजनीतिक परंपरा को स्वच्छ करने का कार्य किया है। पुराने दलों के, अगर आप भाजपा की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, मैं आपको उंगलियों पे नाम गिनवा दूंगा, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं रहा होगा। लेकिन आधुनिक राजनीति में, मॉडर्न पॉलिटिक्स में, अगर वर्तमान परिधि में कोई बदलाव करता है तो वो स्वागत योग्य कदम है। और ये तो आए ही थे बदलाव की राजनीति करने, ये तो बदलाव करते करते खुद ही ऐसी परंपरा को लागू कर रहे हैं कि मैं तो निवेदन करता हूं बाकी राजनीतिक दलों से कि इनकी इस जो राजनीतिक परंपरा को ये शुरू करना चाह रहे हैं, आपराधिक परंपरा को, उसको ग्रहण न करिएगा। आप लोग विधि पूर्वक चलिएगा, संवैधानिक रूप से चलिएगा। इनके नेतृत्व के जितने अपराधी हैं, आप चाहे उनकी दोबारा फाइलें खुलवा लीजिएगा, जांच करवा लीजिएगा, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी में कहीं प्रावधान नहीं है कि अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों को स्वयं वापस ले लिया जाए। ठीक है, हम विधि पूर्वक काम करके दिखाएंगे आपको संवैधानिक तरीके। तमाम सवाल विवेक जी की तरफ से भी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आज कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लखीमपुर खीरी का काफ़ी बड़ा प्रकरण था और हर कोई नज़रें गड़ाए बैठा था कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई बयान आएगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान आएगा, लेकिन कुछ आया नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। देखिए शिवम जी, बयान देके और फिर उसके बाद कार्रवाई नहीं करना, ये भाजपा की फितरत नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का भतीजा घूम रहा है, देखिए समाजवादी पार्टी के समय आप बताइए, अंबेडकर इंद्रावती करके बीएसपी की कैंडिडेट थी, उसके साथ क्या घटना हुई थी जब पिछले चुनाव में नगर में एक कार्रवाई की, जितने भी विपक्षी पार्टी के समर्थक थे की घटना है, मैं आपको बताऊं उसके ऊपर जिस तरह से तमाम ऐसी घटनाएं हुई, क्या लकड़ी के माध्यम से उसको चोटिल किया गया, ये पूरा वीडियो वायरल है। लेकिन देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कार्रवाई की, यहाँ तक कि आरोपी भी पकड़ लिया गया, तो ये महिला बीबीसी को अपहरण करने के लिए इनके जिला इनके भाजपा के नेताजी रात के घर में घुस के उसके जेठ की हत्या कर देते हैं, गिरी और गुंडागिरी, और ये बताएंगे दुहाई देंगी दलितों की होती थी जब सत्ता में रह के, जो की बस्ती चंदौली में जला दी गई, आजमगढ़ में जला दी गई, उस पर बात नहीं करेंगे, अपनाने की पूरी कोशिश, जितना इनकी प्राथमिकता है ये दलित सम्मान की बात कर रहे हैं। वाह भाई, तो बहुत शांति तरीके से इस चुनाव को कराया, और जब हम जीत के आते हैं, चाहे हम ईवीएम से जीत के आते हैं तो ये कहते हैं कि ईवीएम की वजह से जीते हैं, अगर इन्हें सीट मिली है ब्लॉक प्रमुख में और पंचायत प्रमुख में, चाहे थोड़े ही सीट मिली है, तो बताएं कि वो उत्तर प्रदेश में वो जिले नहीं है क्या? वो ब्लॉक्स और वो जो पंचायत जिला पंचायत है वो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है जो आपने सीट जीते? पत्रकारों से माफी मांगती हैं आप, भाजपा की तरफ से पत्रकारों से माफी मांगेंगी? पत्रकार भी झूठ बोल रहे हैं, पत्रकारों की हत्या करने का प्रयास किया गया, एबीपी गंगा, एबीपी न्यूज, एटा, आज उन्नाव, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के सड़क पे पीटा गया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, पत्रकारों के जो हालात हैं वो शायद किसी से भी छिपे नहीं है। पत्रकारों की जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी वाकई में नाइंसाफी कर रही है? सीएम जी, सबसे ज्यादा जुल्म तो पत्रकार ही सहते हैं, चाहे वो सपा गवर्नमेंट में हो चाहे भाजपा गवर्नमेंट में हो, लाठी दंडा हत्या सबसे ज्यादा, अगर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सपा सरकार में भी हमारी हुई और भाजपा सरकार में हमारी हो रही है। विवेक जी को याद होगा कि लखनऊ की राजधानी के एक चर्चित थाने में एक वरिष्ठ पत्रकार को मार दिया गया, उसके बाद वहां थानेदार तक ट्रांसफर तो नहीं किया गया। तो वो सरकार चाहे सपा की हो चाहे भाजपा की हो चाहे बसपा की हो, सबसे ज्यादा अगर जुल्म सहता कोई तो पत्रकार सहता है, और दुर्भाग्य है कि मरने के बाद भी उसको श्रद्धांजलि नहीं मिलती है, ब्लैकमेल ही कर रहा था इसलिए मार दिया गया, हत्या कर दी गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश में क्या हो सकता है। और जो आज घटना हुई है पत्रकारों के साथ, ये तो बहुत निंदनीय है, मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए, ने आगामी चुनाव में जो हाल अखिलेश जी का हुआ था शायद उससे बुरा हाल भाजपा का होगा। तो 2022 की तस्वीर जी ऐसा ना, मैं विवेक जी से प्रश्न करना चाह रहा हूँ, इन्होंने अच्छा कहा कि अखिलेश जी ने राजनीतिक अपराधियों को
बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो विवेक जी एक प्रश्न मेरा आपसे है, क्या 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में आपके वहां अपराधी कोई नहीं होगा, अपराध मुक्त पार्टी आपकी रहेगी, जो अपराधी उनको टिकट नहीं देंगे आप? अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। नहीं, आप धन्यवाद अभी रखिए, जब हम जीत के आएंगे तब दीजिएगा, हम आपका सम्मान भी करेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि अपराधियों को हम अपने पार्टी से दूर रखें, वरना आज ये जिला पंचायत की जो स्थिति आप देख रहे हैं, हम चाहते हैं जो हमारे ऊपर आरोप लगते आए हैं, अगर पूर्ववर्ती स्थिति शायद रही होती तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि मैं 2019 से राजनीतिक पटल से जुड़ा हूं, राजनीतिक परिपक्वता आने में अगर समय लगता है तो वो स्वीकार करने में गलती नहीं है, लेकिन अगर वो स्थिति रही होती तो आपको भी पता है कि आज इस राजनीतिक पटल पे दृश्य कुछ और होता। लेकिन हम स्वीकार करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के सहयोग में स्वागत करते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया और वो प्रयासरत है, तो हम चाहेंगे कि ये प्रयास सफल हो। हम एक बार और हारे कोई दिक्कत नहीं, हम 22 की तैयारी कर रहे हैं। विवेक जी एक सवाल मेरा आपसे और है, आप अपनी सरकार कार्यकाल में क्या आपको मालूम कितने पत्रकारों की हत्या हुई, कितने पत्रकार मार दिए गए थे? मैं बड़ी जिम्मेदारी से जानता हूं जो आप जहां पे मुझे ले जाना चाह रहे हैं। जी जी। लेकिन मैंने हमेशा से कहा कि आप बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर अखिलेश यादव जी अपराधीकरण को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं तो क्या आप उनके इस कदम का स्वागत नहीं करेंगे? करना चाहिए। क्या डीपी यादव जी को, अगर वो, आप मुझे बस एक बात बताइए, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे निवेदन पूर्वक पूछता हूं, क्या उस दिन अगर डीपी यादव को टिकट दे दिया जाता तो वो फाड़ होती जो आज हमारे पार्टी के अंदर हुई और उसका राजनीतिकरण करके? देखिए विवेक जी, वो तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो आप भी समझ रहे होंगे, कि डीपी यादव अतिरिक्त भी बहुत से रीजन हम मुद्दे से भटक जाएंगे। सुनील जी, इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। जी नहीं, मैं तो सुनील जी बस एक निवेदन आपसे करता हूँ, ये चाल चरित्र चेहरे की पार्टी आप ही लोग के लेखनी की देन है। आज वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार पत्रकारों की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, घरों में घुस के महिला पत्रकारों को जिस तरह झांसी में पीटा गया, आप मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए, क्या इस पार्टी से आपने ये उम्मीद की थी? ये छोड़िए, ये सवाल आपने उम्मीद की थी भाई, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हर सरकार में हम ही लोग मार खाते हैं सबसे ज्यादा। विवेक जी, चाहे जिसकी गवर्नमेंट आई, प्रोटेक्शन के नाम पे खाली डीजीपी को आदेश कर दिया जाएगा, एसपी को आदेश कर दिया, लेकिन कितना पत्रकार सुरक्षित है इस प्रदेश में? सुनील जी, एक वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले वायरल हुआ था। विवेक जी, मैं आपको शांत करना चाहूंगा। विवेक जी थोड़ा, मैं चाहूंगा कि आप रुकिए। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर एक डीएम कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर ये होंगे कैमरे बंद कर दिए जाएंगे और ये हम जिता देंगे। सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है? शिवम जी, ब्यूरोक्रेट्स बहुत होशियार होता है इस देश का। हाँ। सत्ता बदलते ही गिरगिट की तरह अपना रूप बदल देता है। जैसे सत्ता बदली, बस तुरंत जाक, मैं तो देखता हूँ नतमस्तक लोग आते हैं, चरणों में लेट जाते हैं मुख्यमंत्री जी के, कि प्रभु जो हुआ उसको क्षमा करो, मैं तत्मन धन से आपकी सेवा करूंगा। पांच साल तक आपने भी देखा होगा कि विवेक जी सरकार रही, दो तीन आईएएस बहुत खास अखिलेश जी के भी रहे, मायावती सरकार आई उसमें भी रहे, और वर्तमान सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पे आसीन है। हैं, बिल्कुल तो, है नहीं है बिल्कुल है। तो ऐसे लोग जो है अवसरवादी लोगों को अगर सरकार चाहती रहेगी कमाऊ सपूतों को, तो करप्शन कैसे रुक पाएगा? नहीं, अभी जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही है, वाकई में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है ना? तो हमेशा होता, हर युग में हुआ है, हर सरकार में होता है। सत्ता जिसकी होती है शिवम जी, अधिकारी तो उसी बैठाए जाते हैं, और जब उसके अधिकारी बैठाए जाएंगे तो जाहिर सी बात अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ तो करेंगे ही। हमेशा ही आप देख लीजिए, किसी गवर्नमेंट देख लीजिए, अगर सत्ता उसकी रही है तो डिस्ट्रिक्ट चाहे डीएम हमारे हो चाहे हमारे एसपी हो, सपोर्ट सरकार को करते हैं, ऐसे ही लोगों को तैनाती किया जाता है। ठीक है शिवम जी, एक मिनट, आप पूर्व गवर्नमेंट देख लीजिए, अपने बिरादरी कितने लोग तैनात थे, इस गवर्नमेंट देख लीजिए, तो हर सरकार में अपने लोग चुनाव बैठा ही जाता है, तो पुरानी आदत है राजनीति की। ठीक है शबनम जी, आपने जनादेश का अपहरण किया है, लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि सदस्य समाजवादी पार्टी के ज्यादा चुने गए, अध्यक्ष आपके बन गए, आपने तो जनादेश का अपहरण कर दिया। देखिए शिवम जी, ये बार बार मैं कह रही हूँ, सदस्य उनके कैसे थे, उनके सदस्य वोट हमें देंगे? देखिए उसमें सिंबल किसी को नहीं मिलता, सदस्य इनके भी नहीं थे, इनके नहीं थे, हमें वोट दे रहे हैं। शिवम जी, एक सूची जारी होती है पार्टी कार्यालय की तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उसकी तरफ से एक सूची जारी होती है कि ये हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर वो सूची जारी होती है तो साफ तौर पर ये माना जाता है कि जो प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है वो इस पार्टी को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिवम जी, ये भी तो सत्य है कि अगर इनके सदस्य थे तो हमें क्यों अध्यक्ष के लिए वोटिंग कर रहे हैं? वही तो बात है, मतलब वही सवाल, वही सवाल कि अपहरण किया जा रहा है, जनादेश का अपहरण किया जा रहा है। जनादेश का कोई अपहरण नहीं हुआ है, जितनी निष्पक्षता से और जितने विश्वास से जनता ने हमारे पक्ष में वोट करा है, इसीलिए हम लगातार। और देखिए, ईवीएम से जीते तो ईवीएम को कर दीजिए, अगर वोटिंग इधर हो रही है तो इस पर भी आप कह दीजिए कि नहीं, ये गलत है। ये एक डीपी यादव की बात करके कहते हैं कि हमने तो पूरी तरीके से माफियाओं को एक तरफ किया, लेकिन जब योगी सरकार में माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा आते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, जब कुलदीप सिंह सेंगर नाम में याद दिलाऊं क्या? कुलदीप सिंह सेंगर को हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। हम तो बहुत वक्त लग गया था, तरह उनको मंच पे लेकर घूमते नहीं रहे, हम तो प्रजापति की तरह मंच पे लेके घूमते नहीं रहे। तो अंतर है हमारी पार्टी में, अगर कोई आता है पार्टी में और कहीं भी कोई गलत कार्रवाई करता है, कारनामे करता है, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, मंच पे लेके उनको घूमते नहीं है। और माफियाओं पे कोई भी सरकार काम करती है अगर पहले तो हम उसका पीठ थपथपाते, पर आज विपक्ष क्या है, आज आंसू बहा रहे थे। और अभी चुनाव जो हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष, इसमें इन्होंने पूरी तरीके से अस्थिरता फैलाने की कोशिश की विपक्षी पार्टियों ने। क्या हमने देखा नहीं कैसे सपा बसपा में लाठी डंडे चलते थे इन चुनाव में, त्रिस्तरीय चुनाव जब होता था, किस तरीके से पर्चा फाड़े जाते थे, किस तरीके से अपहरण होता था, गोलीबारी होती थी, पैसे चलते थे। आप तो ये तस्वीर बदलने आए थे, आप तो ये तस्वीर बदलने आए थे। हमने तो रोका, देखिए कहाँ रोका। आज और कल जितनी हिंसा देखने को मिली है, मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज से पहले कभी भी इतनी ज्यादा हिंसा पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नहीं देखने को मिली है। आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जिस तरीके की कार्रवाई हमने की, क्या आपने कभी देखी कार्रवाई करते? पूरे थाने को पे गाजगिरी, आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया। आप बताइए सपा के समय में चुनाव में इतना दंगा ठीक है। ये अभी जवाब विवेक जी देंगे। विवेक जी बताइए। भाजपा वाराणसी का ये ट्वीट देख लीजिए, आपके सामने दिखा रहा हूँ। वाराणसी भाजपा कार्य समिति के सदस्य सत्येंद्र सिंह, हिस्ट्री टीचर सुजीत सिंह, जो 50 लाख के आरोपी है, क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन मनी मांगने के, ब्लॉक प्रमुख पद पे स्वयं नामांकन कराने गए हैं। अपराधियों ने छोड़ दिया उत्तर प्रदेश। आपके योगी जी जब बहराइच गए थे, वहां पे उनके मंच पे एक हिस्ट्री शीटर के साथ उनकी फोटो वायरल हुई, गब्बर के साथ, और उसके बाद उसको बाकायदा मीडिया ने उठाया, आपने लेकिन उसको भी दरकिनार कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए। इस पूरे पटल से मैं पूछता हूँ, कल से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो पत्रकारों पे हमले हुए हैं, या जिस तरह से दुशासन स्वरूपी इनके राम भक्त अपना चरित्र सामने लेकर आए पूरे प्रदेश के, पूरे देश के, विश्व पटल के सामने, आप मुझे बस ये बताइए, आंख का फूटा अंधा होता है, आंख से जो दिखाई दे वो तो अंधा नहीं होता ना। 32 बीडीसी आपने अपहरण करके संत कबीर नगर से ला करके जो लखनऊ रखे, उन्होंने स्वयं वीडियो बना करके वायरल किया, और पुलिस ने संज्ञान लिया हमारे नेता के शिकायती उसके आधार पे, और जाकर के छुड़ाया होटल से, वही पुंछी पुलिया के होटल में उनको रखा गया था। चलिए ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए, मैं तो एक बात इनसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार महोदय भी बैठे हैं, क्या वास्तविक रूप से आज जितने बड़े पत्रकार, चाहे यूट्यूबर, चाहे जिम्मेदार रिटायर्ड आईएएस, चाहे वर्तमान आईएएस, मुखर आवाज से चाहे दबी आवाज से, जो ये कह रहे हैं कि आज तक के इतिहास में, चाहे इनके अपने राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन है उन्हें भी बधाई देता हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे किसी की सरकार रही हो, भाजपा का हो चाहे किसी का रहा हो, क्या जिला पंचायती चुनावों में इस तरह की अराजकता आपने कभी देखी? और गांव से तो ये कभी चुनाव लड़े ही नहीं थे, ये तो पहली बार गांव के चुनाव में आए, तो वहां इन्हें मुंह की खानी पड़ी, अपना घर तक नहीं बचा पाए। लेकिन जिस तरीके से दोबारा इन्होंने दिल्ली के सामने स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए ये जो तरीके अपनाए, हथकंडे अपनाए, अब पुलिस अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं, पुलिस अधिकारी को भी झूठला देंगे, मतलब पूरी भाजपा एक तरफ है, पूरे देश का सत्य एक तरफ है, पूरे देश के बुद्धिजीवी एक तरफ है, जो पत्रकार इनकी वाहवाही करे वो इनके नामित पत्रकार हो जाते हैं, जो पत्रकार सत्य दिखाए वो FIR के शिकार हो जाते हैं। एक रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह को इन्होंने टारगेट कर रखा है, उनके लिए तो एक FIR विभाग बना रखा है।
साथ साथ एफआईआर कर दी। कल पुनः एक बड़े जिम्मेदार पत्रकार द भसड़ न्यूज जो चलाते हैं उनके ऊपर इन्होंने एफआईआर करवा दी। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है। चलिए ठीक है, राज विपक्षी दलों से आपकी संवेदना मुझे समझ में आती है कि असंवेदनशीलता है आपकी। पत्रकार आपके खिलाफ कौन सा कार्य कर रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े अगर झूठे, एनसीआरबी पे आप कार्रवाई करते, एनसीआरबी के ऊपर ताला लगवाइए। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े एनसीआरबी देता है वो व्यक्तिगत संस्था तो है नहीं किसी राजनीतिक दल की, लेकिन क्या उसके आंकड़े भी आप झुठला देंगे? और जिम्मेदार पत्रकार महोदय बैठे हैं, मैं तो इनको चरणशीश प्रणाम करते हुए पूछता हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े तो आप नहीं झुठलाएंगे ना महोदय? एनसीआरबी के आंकड़े तो हम नहीं बनाते ना आप बनाते हैं, और पत्रकारों पे हो रहे हमले की तो कम से कम निंदा आप कर ही सकते हैं। और जिस तरीके से पत्रकार शिकार हो रहे हैं उसके बाद भी पत्रकारों के लिए एक शब्द अभी तक किसी राजनीतिक दल के इनके मुखिया के मुंह से नहीं निकला। लखीमपुर की घटना का संज्ञान अगर सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी आपको अभी याद हो हम तो सबसे पहले इसकी भर्त्सना करते हैं और हमने ये बात उठाई भी, पत्रकारों की सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा नहीं भाजपा सरकार नहीं हो रहा है। मैं तो घोर को निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत भी मांग करता हूं, कम से कम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अगर आप अच्छा प्रशासन चलाना चाह रहे हैं तो कम से कम जो हमारे अनुयायी हैं, मार्गदर्शक हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए तो हम घोर निंदा करते हैं जो पत्रकारों के ऊपर हुआ है। इस घटना की तो मैं जितना निंदा कर सकता हूं मैं भर्त्सना कर रहा हूं भाजपा सरकार की, इस तरह से पत्रकारों को उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए और रोका जाना चाहिए। हम लोग संगठन चलाते हैं, संगठन माध्यम से भी पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री जी को कि ऐसा उत्पीड़न इस मीडिया के साथ ठीक नहीं है, चाहे छोटी मीडिया हो चाहे बड़ी मीडिया हो। और सच्चाई कहना अपराध नहीं है। जो अच्छा पत्रकार शेष पत्रकार है वो रात को रात दिन को दिन कहेगा, भले ही उसका परिणाम हो, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो। तो ये बात विवेक जी नहीं, मैं तो पहले भर्त्सना कर रहा हूं और अभी भी प्राइम टीवी धन्यवाद दे रहा हूं, कम से कम इस मुद्दे को उसने अपने उस पर उठाया है चैनल पे, और इसके लिए तो घोर निंदा होनी चाहिए और घोर विरोध होना चाहिए, आप विरोध कीजिए कम से कम। हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, आप विपक्ष में बैठे हैं, कुछ अपने कंधे पर डालिए। सुनील जी, जी जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप मेरे, जी मैं मौका दूंगा विवेक जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम अपने दर्शकों के सामने, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सुनील जी, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या हार के डर से ये सब कर रही है? क्योंकि 2022 में चुनाव है, क्या हार का डर है? देखिये शिवम जी, ऐसा है ना कि बहुत चीजें वहां स्थितियां क्या हैं, जो संदेश लोग भाजपा को आया कि सपा जो है ग्रामीण स्तरों पर अपना अच्छा वर्चस्व बना रही है और पंचायत चुनाव में ये लोग जीते भी, इससे भाजपा कहीं कहीं आज दिल्ली तक खटक जरूर हुई कि हाँ ऐसा ना हो कि हमारा जनाधार खटक कम हो जाए और आगामी 22 चुनाव में हम लोग हार जाएं। तो हो सकता है सत्ता, भाई हर आदमी अपनी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सत्ता मशीनरी का दुरुपयोग करता है, तो भाजपा भी कर रही, लेकिन इससे यह संदेश जरूर लोगों को गया है कि भाई सपा पंचायती चुनाव में सपा का परचम रहा, पूरी मीडिया ने, सारे लोगों ने इस बीच चर्चा की और अखिलेश जी ने काम भी अच्छे किया, ऐसा नहीं है। मैं इस बात के उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूं, विवेक जी व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि राजधानी जितना काम अखिलेश जी ने किया है किसी मुख्यमंत्री ने किया, ये अलग बात रही कि अपराधी के स्तर पर या जिन स्तरों जो उन्होंने खामियां थी सरकार जानी पड़ी, अगर उन खामियों को दूर कर देंगे तो होता भाई सरकार आपकी आ जाए। जी ठीक है शबनम जी, ये डर है। देखिए डर उसे हो जो चुनाव हार रहा हो। हम 14 से लेके अभी तक चाहे उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हम लगातार जीतते आए हैं। फिर डर किस बात की है? हमें किसी बात की डर नहीं, और हमने जो विकास कार्य किया है, लेकिन जो जनादेश तो समाजवादी पार्टी को मिला ना, ग्रामीण स्तर पर पंचायत चुनाव में जनादेश, सबसे जनादेश मिला। जो अगर प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो जनादेश समाजवादी पार्टी को था। देखिए ये आपको लगता है कि जनादेश सपा को था, लेकिन अगर सपा को होता तो हम अध्यक्ष चुनाव नहीं जीतते। अगर वो प्रत्याशी हमें वोट दे रहे हैं तो क्या वजह है कि वो हमें वोट देते, हम क्यों अध्यक्ष जीतते हैं? हम ब्लॉक प्रमुख का भी जीतते हैं, हम जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीत रहे हैं। देखिए हम ग्रामीण क्षेत्र के ये त्रिस्तरीय चुनाव को बहुत ही बंपर तरीके से जीत के आते हैं, जनता का विश्वास हम पर है। हमारे पार्टी में कहीं भी खलबली नहीं है, ये अफवाह दूर हो रहा है। इससे पहले तक तो ये अफवाह था कि पार्टी के संगठन में कार्यकर्ता साथ नहीं देंगे, अब इस चुनाव में जीत के आते हैं तो आप कहते हैं हमारे मन में ये भाव था। कहीं भी पार्टी के मन में कोई ऐसी भाव नहीं थी, क्योंकि धरातल पर हमने जो विकास कार्य किए हैं
जिस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, माफियाओं को खत्म करने के लिए जमीन जो कब्जा करते रहे गरीबों का और हर तबके के लोगों का, उसको खत्म करने का क्या, न्याय दिलाने का काम क्या महिलाओं को। और एनसीआरबी का रिपोर्ट देखा जाए तो पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से एनसीआरबी के रिपोर्ट से पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में भी कमी आई है। विवेक जी कुछ आंकड़े बताना चाह रहे हैं। हिंसा में कमी के साथ साथ महिलाओं को न्याय मिलने में भी आंकड़े दे देता हूं एनसीआरबी के आई है। तो ऐसी स्थिति में हम पूरी तरीके से जनता का विश्वास जीत चुके हैं और आगामी चुनाव भी हमें जीतने की बौखलाहट से विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। पर ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी, विवेक जी आप तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबनम जी मैं एक सवाल आपसे करूंगा, सबनम जी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में कितने ब्राह्मणों की हत्या की गई है, डाटा है आपके पास में कितने ब्राह्मण मारे गए उत्तर प्रदेश में, हत्या हुई है आप बताइए जरा हमको। देखिए अगर डेटा तो नहीं दे कोई है और अपराधी, देखिए कोई अगर अपराधी है तो वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ओबीसी हो, दलित हो, मुसलमान हो, मैं अपराधियों बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन ब्राह्मणों बात कर रहा हूँ जिनके गाँव में घरों घर जाके लोग घर फूंक दिए, जला दिए उनको, मैं ऐसे लोगों में बात कर रहा हूँ। अपराधी अपराधी कोई जाति नहीं होती है, वो तो किसी पर किसी ऊंची कोई जाति नहीं है। सुनील जी तो ये भी तो जानने की कोशिश करिए कितने अपराधियों पे सरकार ने कार्रवाई की, क्या ऐसा रिकॉर्ड किसी और सरकार का रहा कभी, सभी ने उन्हें ठेका पट्टा दे के फलने फूलने दिया। हमारी सरकार पहली सरकार ब्राह्मणों के शस्त्र लाइसेंस तरीके से तौर पे चलाया, बड़े बड़े माफियाओं जितने थर्राता था पूर्वांचल उन माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चलाया। और क्या पिछली सरकारों की ये हिम्मत थी कि उन माफियाओं पे हाथ भी रख सके, ठेका पट्टा देते थे उल्टा। और जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई की तो देखिए किस तरीके से आंसू ठीक है। विवेक जी विवेक जी तमाम चीजें हैं लेकिन आपसे ये सवाल जरूर बनता है, 2022 का चुनाव नजदीक है, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, केंद्र के मुद्दे, लेकिन आप और आपके नेता शायद जमीन पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अब तक। आपको हम दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे और हमारी आवाज बाकायदा पूरे विश्व के सामने गूंजेगी भी। कब कब तो वही तो सवाल है, अभी तक कहां थे 15 अभी तक उन मुद्दों को क्यों नहीं बेबाकी से उठाया गया, क्यों उस विपक्ष की भूमिका में नहीं नजर आए जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। हम बराबर है, मुद्दों पे हम नहीं होते तो पंचायत चुनाव हम नहीं जीतते। अगर मुद्दों पे नहीं देखिए, ये जीत आपकी नहीं है, आप इसको नहीं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी थी वो नजर आई है। अगर आप ये कहें कि हमारी कामयाबी है, आपको बिल्कुल मैं आपको एक जिम्मेदारी से बात बता दूं, आप जानते होंगे हमारा इतिहास रहा है कि हम गांव से जुड़े रहे। नहीं मैं इस बात को मानता हूं कि आपका जो संगठन है उसका उत्तर प्रदेश में कोई सानी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आज की तारीख में समाजवादी पार्टी कहां पर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, कहां पर आंदोलन करती हुई नजर आ रही है। आप तो जमीन से जुड़े हुए नेता है ना, व्यापी धरना देने जा रहे हैं। सुन लीजिए, हम जमीन की बात कर रहे हैं, 15 तारीख से आप देखेंगे प्रदेश व्यापी धरना 15 तारीख को हमने रख दिया है। और एक बात और आपको बता दूं, मर्यादा की बात करने वाले आज चीरहरण कर रहे हैं, सत्ता का लालच न रखने वाले आज श्वान की तरह पर्चे लपक रहे हैं, सुशासन वाले सरेआम गोलियां चला रहे हैं, धर्म की रक्षा की आड़ में गुंडे पाले जा रहे हैं, लेकिन कारनामे यूपी में लेकिन छवि धूमिल मोदी की करने का प्रयास किया जा रहा है, एक तीर से दो शिकार। अब ये हमारे जिम्मेदार पत्रकार महोदय हमसे वरिष्ठ काफी तो ये इस बात को ज्यादा समझेंगे जो मैंने एक इशारे में नहीं स्पष्ट रूप से जो एक वक्तव्य दिया है, क्योंकि इनके आंतरिक जो फाड़ का एक नतीजा है उसमें भी स्वयं को साबित करने और श्रेष्ठता की जो होड़ लगी है उसका शिकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को होना पड़ रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे बता दूं, अगर पुलिस को आगामी चुनावों में आप वाकई निष्पक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पुलिस की संस्थागत सुधार की आवश्यकता बहुत है। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के प्रावधान अगर लागू हो जाए तो मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरह उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखा जा सकता है। ये मानता हूं मैं आपके सामने ये स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीय पटल के सामने की ये गलती हमसे भी हुई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर इस एक विषय का संज्ञान ले लिया होता तो आज शायद पुलिस एक तरफा भूमिका में ना दिखाई गई होती। लेकिन मैं स्वयं इस विषय पे लगा हूं और मैं चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हमारी सरकार आते ही सबसे पहले अगर कहीं सुधार हो तो पुलिस की संस्थागत
संवैधानिक संस्था में सुधार किया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दिए दिशा निर्देशों के अनुसार। शबनम जी, उन्होंने तो अपनी गलती मान ली, आप लखीमपुर खीरी वाली घटना पर क्या माफी मांगेंगे? फाइनल कमेंट है आपका, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। देखिए, घटनाओं पे माफी नहीं मांगी जाती है, कार्रवाई की जाती है और कड़ी कार्रवाई की जाती है। ऐसे लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, का भतीजा वहाँ मौके पर मौजूद था जिसने सारी घटना करवाई है, मांग के उसे कार्रवाई करिए ना, आया नहीं जाता ऐसे मामलों को। चाहते हैं कि आप कार्रवाई करें, आप कार्रवाई नहीं कर रहे। ज्यादा मैं भी अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को पे और भी कड़ी कार्रवाई करे सरकार, और सरकार ने जो कार्रवाई की आप प्रतिनिधि है, पुलिस को कि जा करके बात पूरी कर लेने का काम है, पर हमारी सरकार का काम ये नहीं है कि उन माफी मांग के और उन्हें समर्थन पीछे से दें। कड़ी कार्रवाई की है, आरोपी पकड़ा गया है, सलाखों के पीछे नहीं, 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 आरोपी नहीं पकड़ा गया, जरूरी है। और भले ही वो किसी भी पार्टी की महिला, पकड़ा जाता तो सांसद का भतीजा उनका प्रतिनिधि भी आते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार जिन पत्रकारों पे हमला हुआ उन्नाव की घटना में आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस पत्रकार पर हमला हुआ, क्या सीडीओ को सस्पेंड किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे इस पर भी कार्रवाई करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। पत्रकारों का हम सम्मान करते हैं, भले ही सपा और बसपा के समय लगातार अत्याचार होता रहा, शायद ये भूल रहे हैं, इनके विधायक, एक विधायक का नाम भी आया था पत्रकार को जिंदा जला देने पे, तमाम ऐसे ऐसे कार्यक्रम उनका नाम आया था, 5 साल तक। तो क्या आप भी चाहती हैं कि ऐसा करते आप भी करें कि आप भी 5 साल सरकार से बाहर हो जाएं, सत्ता से बाहर हो जाएं? वो तो जो किए थे वो तो भोग रहे हैं सपना जी, अगर ऐसा किए ना होते तो सत्ता से बाहर ना होते। जी सुनील जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि इस तरीके का, चाहे महिला हो, पत्रकार हो या आम आदमी भी हो, किसी सपा ने किया उसका राजा भोग लिया, 5 साल सत्ता से बाहर हो गए। तो क्या आप भी चाहती हैं उन्हीं रूल पे हम भी चले और सत्ता से बाहर हो जाए? आपने मेरी बात सुनी नहीं सुनील जी, मैं तो साफ तौर पे कह रही हूँ, चाहे किसी पत्रकार पे, किसी अधिकारी पे, किसी नेता पे, आम इंसान पे भी अगर कोई, सबके आयोग बने हैं, क्या मीडिया का आयोग बनाने के लिए योगी से आप सवाल पूछे जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होने की बात भी कही जाती है, और ये भी दावा किया जाता है कि आने वाले समय में इंसाफ होगा, लेकिन वो इंसाफ कब होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता। शायद हम किसी और चर्चा में आपसे जुड़े और तब भी यही सवाल पूछें, तब भी यही जवाब मिलेगा कि कार्रवाई भी होगी और सजा भी दी जाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने इतना कीमती वक्त दिया। शबनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही था कि आखिर जो परिस्थितियां आज की तारीख में नजर आ रही हैं उनमें सुधार कैसे होगा। सुनील त्रिपाठी जी ने एक बेहद अहम मुद्दा उठाया, वो ये था कि आज राजनीति में जिस तरह से गुंडों की जो दखल है, गुंडों की जो दखलंदाजी है, जो बढ़ती जा रही है, शायद उसी का नतीजा है कि आज इस तरह की तस्वीरें हम सभी के सामने हैं। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से महिला के वस्त्र हरण किए गए, जिस तरह से उसका चीर हरण किया गया, शायद ना जनता भूलेगी ना वो महिला। बहुत बहुत धन्यवाद।